जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर से सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आज आप सभी को ये वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उन सभी के लिए हम कल अपनी मुख्य पूजा में भगवान विष्णु जी से और माता मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 11 सितंबर 2019 दिन बुधवार, भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज द्वादशी तिथि मध्य रात्रि 2:42 तक रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:50 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। चलिए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज आपको आम दिनों के मुकाबले ज्यादा पेशेंट्स मिलने आएंगे। यदि आपकी दवाई की दुकान है तो आज आपकी सेल्स में भी इजाफा होगा, जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। आज आपकी निद्रा में कोई बाधा नहीं आएगी और आप बेहतरीन नींद लेकर प्रातःकाल तरोताजा होकर उठेंगे। जो लोग विदेशों में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आज इस दिशा में आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आपके लिए शुभ होगा। परंतु किसी बात को लेकर आज आप उदासीन हो सकते हैं, जिससे आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। अपनी असफलताओं को याद करने के बजाय यदि आप आज उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए जतन करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज झूठ बोलना आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। आज आप अपने घर के लिए कोई भी लोहे का सामान ना खरीदें। मेष राशि वालों, अपनी आमदनी को और अधिक बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व
आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि युवा लोग सरकारी नौकरी की आकांक्षा रखते हैं तो जल्द से जल्द उनका सपना पूरा हो सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर पवित्र हो जाएं और उसके पश्चात सूर्य देवता की आराधना करें। सूर्य देवता को याद करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम राम ह्रीम ह्रौम से सूर्य नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं, ओम राम ह्रीम ह्रौम से सूर्य नमः। आज आप जल में शक्कर मिलाकर और गुड़ मिलाकर उसे सूर्य देवता को चढ़ाएं और जल चढ़ाते हुए आप सूर्य देवता को उस जल की धार में से देखें और उनको प्रणाम करें। यदि श्रद्धा पूर्वक आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी की आपकी मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। कहां से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनीश ऋषि जी के पास और गुरु मां रुक्मणी जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी मतलब नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। आपको गुरु जी ने कितनी रिंग्स पहनाई है? रिंग्स दिखाओ। चार रिंग है, मैंने लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? गुरु अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है, और 100% परिचय हुआ है। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी गुरुवा के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरु जी से जरूर मिले, और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था, बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत पंडित के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाग पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जो आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। क्या आप कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या आपका लोन कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है? क्या आप कर्जदारों से परेशान हो चुके हैं? तो आज ही
133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें